हेलो फूड लवर, दिस इज़ अमृता। वेलकम बैक टू माय चैनल फूडोपैथी। आज हम बना रहे हैं समर की स्पेशल ड्रिंक लस्सी, जो सभी को पसंद होती है, और एक नहीं 5 डिफरेंट फ्लेवर्स में। तो चलिए बनाते हैं। आज मैं चीनी की जगह इस्तेमाल कर रही हूँ मिश्री, ये धागे वाली मिश्री है। इसमें बीच में एक धागा होता है, ये प्योर मिश्री होती है। बाकी सारी मिश्री जो आपको मार्केट में मिलती है वो चीनी से बनी होती है। इसे मैंने पीस के पाउडर बना लिया है। ये बिल्कुल केमिकल फ्री होती है और चीनी से थोड़ी कम मीठी होती है। तो चलिए तैयारी करते हैं लस्सी की। सबसे पहले बनाएंगे क्लासिक लस्सी, जो हमारी सिंपल वाली होती है। उसके लिए मैंने 1 कप दही लिया और थोड़ा सा पानी डाला। आप दूध भी डाल सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम मथनी का यूज़ करेंगे, जो ट्रेडिशनल तरीका है पंजाबी लस्सी बनाने का। और आगे की लस्सी में मैं आपको ब्लेंडर यूज़ करके दिखाऊंगी, तो आप दोनों ही तरीके से लस्सी बना सकते हैं। दही में मैंने 1/4 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर डाला है और पाउडर किया हुआ मिश्री। अब इसको मथनी से अच्छे से मथ लेंगे। छोटी इलायची का पाउडर ऑप्शनल है, आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से करीब 5 से 10 मिनट के लिए मथेंगे, जिससे उसमें ऊपर अच्छे से झाग आ जाएगा और सारी चीज़ें आपस में मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं लस्सी के ऊपर कितना अच्छा झाग आया है। इससे लस्सी पीने में बहुत ही अच्छी स्मूदी लगती है। और लस्सी के ऊपर हम मलाई डाल देंगे और ऊपर से इसे गार्निश कर देंगे पिस्ता और बादाम से। इसके लिए मैंने घर की जमी हुई दही इस्तेमाल की है। इसका वीडियो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। चलिए अब बनाते हैं मैंगो लस्सी। इसके लिए लिया है मैंने 1/2 कप दही, इलायची पाउडर, 1/2 आम काट के मैंने उसका पल्प ले लिया है, मिश्री, थोड़ा सा पानी, पानी की जगह आप दूध भी ले सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप क्लासिक लस्सी बनाइए और उसमें मैंगो के पल्प को और इलायची पाउडर को अच्छे से मिला दीजिए, तब आपको ब्लेंड करने की ग्राइंडर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लीजिए, हमारी लस्सी तैयार है। ऊपर से हमने डाला है पिस्ता, बादाम, आम के टुकड़े, ऊपर से फिर से थोड़ा सा बादाम और पिस्ता, और फिर से जो जगह बच गई है उसमें आम भर दिया है। ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बीच बीच में आम, बादाम और पिस्ता के जब पीसेस आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। चलिए बनाते हैं बच्चों की फेवरेट चॉकलेट लस्सी। इसके लिए ग्लास को डेकोरेट करेंगे। मैंने इसमें डाला है चॉकलेट सिरप और अब इसको घुमा दिया। उसके बाद ग्लास को मैंने डिप कर दिया है मेल्टेड चॉकलेट में। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको फ्रिज में डाल देंगे, इससे जो है मेरी चॉकलेट अच्छे से ग्लास में सेट हो जाएगी। अब मैंने ब्लेंडर में लिया है दही, थोड़ा सा पानी, चॉकलेट सिरप और डेयरी मिल्क, जो आपको ईजली अवेलेबल है मार्केट में। मैंने 1 ग्लास के लिए करीब 3/4 चॉकलेट ली है। थोड़ी सी चॉकलेट हम बचा लेंगे। और देखिए ब्लेंड करके हमारा चॉकलेट लस्सी रेडी है। इसको अब हम पोर कर देते हैं अपने ग्लास में। वाओ, लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ऊपर से गार्निश करेंगे इसको चॉकलेट सिरप से। और ये जो चॉकलेट बची थी ना हमारे पास, इसको मैंने फ्रिज में डाल दिया था अच्छे से टाइट होने के लिए। अब इसको चाकू से ऐसे काट काट के ऊपर से अच्छे से डाल देंगे। इससे लस्सी पीते समय बीच बीच में चॉकलेट के पीसेस आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से 1 चॉकलेट से आपकी लस्सी और गार्निशिंग दोनों हो गया। चलिए अब बनाते हैं अपनी नेक्स्ट लस्सी। चलिए अब हम बनाते हैं रोज़ लस्सी। इसके लिए लिया है मैंने गुलकंद, रोज़ सिरप, आप रोज़ सिरप की जगह रो अफ़ज़ा भी ले सकते हैं, दही, थोड़ा सा पानी। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड कर देंगे। मैंने यहाँ पे मिश्री नहीं डाली है क्योंकि सिरप और गुलकंद दोनों मीठा है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब ग्लास को हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। इसके लिए मैंने रोज़ सिरप को ग्लास में डाल दिया है और ग्लास को थोड़ा रोटेट कर देंगे, जिससे चारों तरफ से रोज़ सिरप उसमें लग जाए। देखिए किस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ। बस अब इसमें हम अब पोर कर देते हैं, डाल देते हैं अपनी लस्सी को।
रोज़ लस्सी पीने में बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगती है। चलिए इसको गार्निश करते हैं। मैंने थोड़ा सा रोज़ सिरप लिया है, ऊपर से इसको इस तरीके से गार्निश कर दिया है। अब ऊपर से डालेंगे रोज़ पेटल, बादाम और पिस्ता। लास्ट में मैंने जो रोज़ सिरप डाला था उससे देखिए ग्लास का लुक कितना अच्छा आ रहा है। चलिए अब हम बनाते हैं केसर पिस्ता लस्सी। उसके लिए लिया है मैंने दही। केसर मैंने सोक कर दिया था करीब 15-20 मिनट दूध में, इलायची पाउडर, पिस्ता और मिश्री। अब इन सारी चीज़ों को हम ब्लेंड कर देंगे। लीजिए हमारी केसर पिस्ता लस्सी तैयार है। चलिए इसको डाल देते हैं ग्लास में, ऊपर से गार्निश कर देते हैं पिस्ता, बादाम और थोड़े से केसर से। मिश्री का पाउडर बनाने से पहले उसे तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें और बीच का धागा निकाल के फेंक दें और फिर उसका पाउडर बना के इस्तेमाल करें। और लीजिए हमारी सारी रिफ्रेशिंग लस्सी तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपीज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।